आदमी पार्टी ने आज राजस्थान सरकार द्वारा बिजली बिलों को लेकर अपनाई जा रही हठधर्मिता के खिलाफ सड़कों से चौराहों तक प्रदर्शन किया। DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। 100% फर्स्ट डिवीजन इन 10th बोर्ड, 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स। DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। आम आदमी पार्टी के अजमेर संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक के नेतृत्व में गांधी भवन चौराहे से नया बाजार चौपड़ तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और आम लोगों से वार्तालाप की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जहां लोगों की आर्थिक स्थिति डावाडोल है, वहीं सरकार आम आदमी के टैक्स के पैसों से ऐश कर रही है। हाथों में बिजली बिल माफ करो के स्लोगन लिखी तख्तियां लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता, प्रवक्ता एडवोकेट अर्चना जसराज, महिला अध्यक्ष मीना त्यागी, महासचिव दिनेश गोयल सहित आम आदमी पार्टी के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहे। सुनिए, आप सबको पता है कोरोना के कारण 3 महीने से प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं हो रहा है और जिन व्यवसायी लोग हैं या जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, दूसरे लोग हैं, वो लोग जब काम नहीं करेंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे। राज्य सरकार अपनी तानाशाही चला रही है कि 30 तारीख को सबको बिजली के बिल भरने हैं। बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा? क्या आसमान से कोई पैसे टपकेंगे उनके लिए? जिन्होंने 3 महीने तक कमाई नहीं करी है उनका पैसा कौन भरेगा? राज्य सरकार को, आप अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, इन सबको बोलना पड़ेगा कि अपने ऊपर जो फिजूल खर्ची है उसे बंद करें, वो वाला जो पैसा होगा उससे आम आदमी का बिजली का बिल भरना पड़ेगा। आज कहाँ करा आपने प्रदर्शन? सुनिए, सबसे पहले इधर गांधी भवन चौराहे पर है, इसके बाद अभी नया बाजार चौपड़ पे जाएंगे और राज्य में पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर आज ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, ये हमारा तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने ज्ञापन दिया, दूसरे में हमने होम बाउंड रह करके आंदोलन किया उस दिन का, और तीसरे चरण में आज हम चौक से चौराहों तक आए हैं। अब हम लोगों से बात करेंगे, हम उनके वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस को हम राज्य सरकार की आंख खोलने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हर आम आदमी यही बोलेगा आज राज्य सरकार के पास पैसा है, वो रिजॉर्ट के अंदर विधायकों को रोक रही है क्योंकि उसको राज्यसभा की सीट चाहिए, वो पैसा फिजूल खर्ची कर सकती है और आम आदमी का पैसा नहीं भर सकती। हमारे टैक्स का पैसा है, जब हम पैदा होते हैं उस बार जब हमारा पहला हमारे को वो लगता है इंजेक्शन, उसमें टैक्स का पैसा है। हम सरकार को टैक्स भरते हैं, हर भिखारी, यहाँ तक कि हमारे भारत का हर भिखारी टैक्स भरता है, तो उस टैक्स के पैसे से जब सरकार चल सकती है तो 3 महीने का बिजली का बिल क्यों नहीं दिया जा सकता।